राफेल के भारत आने से जहां हर भारतवासी खुश है, तो वहीं यह खुशी उत्तर प्रदेश के बलिया में दुगुनी हो गई है। फ्रांस से राफेल लेकर आने वालों में बलिया के बकवा गांव का लाल मनीष सिंह भी है। मनीष सेना में विंग कमांडर है। अपने लाल की इस कामयाबी से घर वालों के साथ गांव के लोग भी काफी खुश हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। आप तस्वीरें के जरिए भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इस वक्त बलिया में खुशी का माहौल है। इस वक्त बलिया में जो खुशी है वो दोगुनी हो चुकी है। मनीष कुमार सिंह हमारे भैया हैं, उनके छोटे भाई हैं और ये हमारे पिताजी हैं और माताजी घर में हैं। और भैया क्लास 6 तक गांव में पढ़े हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल था नूतन शिक्षा निकेतन। उसके बाद 6 के बाद उनका इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ सैनिक स्कूल का, हरियाणा कुंजपुरा करनाल में है। फिर भैया वहाँ पर गए, प्लस 2 तक पढ़ाई किए, फिर NDA का फॉर्म भरे और वो सिलेक्ट हुए। सिलेक्शन होने के बाद वो 4 साल ट्रेनिंग किए, उसके बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रैंक पे एयरफोर्स में ज्वाइन किए। आज वो प्रमोशन लेके विंग कमांडर के रैंक पे हैं और वो रफाल लेके आ रहे हैं। दिन में 1 बजे रफाल अंबाला में आ जाएगी। जैसे कितनी खुशी है आप लोग, आपको ये हमारे लिए और हमारे घर के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत अच्छी और खुशी की बात है। पूरा हम लोग कब से समाचार सुन रहे हैं और पूरा गाँव में एक खुशी का माहौल बना हुआ है। जगह जगह मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, इसलिए कि मेरे गांव का लाल, मेरे गांव का सुपुत्र और यहीं पला बढ़ा लड़का जो हम लोग का छोटा भाई पद में लगता है, आज हम लोगों का माथा ऊंचा कर दिया है, मस्तक ऊंचा कर दिया है, ताकि वो राफेल फ्रांस से लेकर आ रहा है और चीन जैसी महाशक्ति को जवाब देने के लिए वो प्रथम पंक्ति में खड़ा हुआ है। वो हम लोगों के गांव का है, इसलिए हमारा गांव, हम ही नहीं पूरा हमारा गांव फख्र महसूस कर रहा है, गर्व महसूस कर रहे हैं।